बताएंगे वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है तो सुनने में मिलेगा या फिर उन्हें ऐसा लगेगा. Hi Wings, Wings with me. So those who are new, hi, my name is Anshika. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा जो वायरल शॉर्ट है एक जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया था रिगार्डिंग पारुल गर्ग मेकअप एकेडमी. सो जो कोर्स मैंने किया था आज हम उसका डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं. जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है पारुल मैम के साथ उनकी एकेडमी में और मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा क्या उसके एडवांटेजेस थे क्या डिसएडवांटेजेस थे मेरा एक्सपीरियंस कैसा था सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ. बिकॉज वो जो शॉर्ट है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और मुझे जो एक कॉमन क्वेश्चन उसमें देखने के लिए मिला था वो था कि कोर्स का फीस कितना है. सो आज मैं सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में. सो या इफ यू हैव एनी डाउट इस वीडियो के बाद तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका आंसर करूंगी. एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप टू द वीडियो. बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज मेरे माइंड में एक डाउट था जो मुझे शेयर करना था कि मुझे क्या लगता था कि मैं क्लास जा रही हूँ तो मैं क्लास के अंदर बैठी रहूंगी, अंदर सीख रही हूँ, मैं इंडोर ही रह रही हूँ, पॉल्यूशन नहीं है, एसी में बैठ रही हूँ, तो मुझे लगता था शायद मेरी स्किन जो रहेगी ना वो बेस्ट रहेगी. मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था क्योंकि यूवी रेज आ नहीं रहे, पूरे टाइम क्लास में बैठ रहे हैं, बट तब भी मुझे इतनी टैनिंग हो गई थी, इतना हाइपर पिगमेंटेशन हो गया था. एंड व्हाट आई रियलाइज कि चाहे आप इंडोर हो या आउटडोर हो, हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसा इशू हो गया है जो अंदर बैठे भी होता है बाहर बैठे भी होता है. ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर जाते तो ही आपको ये सारे इश्यूज होते हैं. मैंने ये अंदर बैठे बैठे एक्सपीरियंस किया है बिकॉज स्ट्रेस एंड लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप जो दो फैक्टर्स मुझे मेन फैक्टर्स जो मुझे लगे थे वो ये दोनों ही थे. मैंने ये दो चीजों को उस टाइम नजरअंदाज करा था एंड देन आई रियलाइज कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी. सो चाहे आप बाहर हो या अंदर हो आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन मेंटेन करनी पड़ेगी. And a disrupted skin circadian rhythm ensures those dark spots and hyperpigmentation, those uneven skin tone doesn't fade away. So दिन में हमारा क्या काम होता है कि हमारी स्किन को हमें प्रोटेक्ट करना है. While same on the other hand side, night में हमारी स्किन का क्या काम होता है, रिपेयर मोड में जाना. जो भी दिन भर हमारी स्किन को यूवी रेज मिली है, पॉल्यूशन मिले, उस डैमेज को हमें कैसे रिपेयर करना है ये हमें अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन में मेंटेन करना है. ये थोड़ा सा टफ साउंड कर रहा है बट ये बायल्यूमा स्किन ब्राइटनिंग रेंज के साथ बिल्कुल भी टफ नहीं है. सो मेरा दिन स्टार्ट होता है फेस वॉश से ऑब्वियसली एंड सभी लोग फेस वॉश यूज करते हैं स्टार्टिंग. द बेस्ट थिंग इज इट्स फॉर्मूला बिकॉज इट्स अ सो फ्री फॉर्मूला जो आपको इसमें मिलता है एंड जो बहुत हेल्प करता है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करने में. बिकॉज जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा एंड विटामिन ई जो एक परफेक्ट क्लेंजर की तरह काम करता है. एंड द प्लस पॉइंट इज ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करता है. फेस वॉश करने के बाद भी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी स्किन जो है ना उसमें नरिशमेंट की थोड़ी सी कमी रह गई है तो वो पूरा कंप्लीट करती है मेरी डे क्रीम, दैट इज बायल्यूमा एडवांस डे क्रीम. अगर मैं बाकी बॉडी टाइप्स की बात करूं हाथों के लिए पैरों के लिए तो उसके लिए भी मेरे पास एक स्पेशल लोशन दैट इज बायल्यूमा एडवांस स्किन ब्राइटनिंग लोशन जो आप अपने हाथों के लिए पैरों के लिए यूज कर सकते हैं एंड मैं इसे अपने बैक पे नेक पे सब जगह यूज करती हूँ. तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि क्या ये लोशन हम अपने सेंसिटिव एरियाज जैसे अंडर आर्म्स हो गए, इनर थाइज हो गए, यहाँ पे यूज कर सकते हैं. उसके लिए मैं दूसरा प्रोडक्ट सजेस्ट करूं, दैट इज देयर स्पेशल बायल्यूमा एडवांस क्रीम फॉर सेंसिटिव एरिया. ये है एंड ये आप यूज कर सकते हैं अंडर आर्म्स के लिए प्लस अपने इनर थाइस के लिए, जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं आपकी बॉडी आप ये प्रोडक्ट वहां पे यूज कर सकते हैं. सो आप ये सारे प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं. ऑल्सो जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है ना उसमें आपको डे क्रीम को रिप्लेस करना है नाइट क्रीम से एंड वो भी मेरे पास है जो मैं यूज करती हूँ. सो आपको ये पूरी रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी फॉर 21 डेज एटलीस्ट, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे. इट्स टाइम यू फाइंड योर ग्लो. आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी स्किन में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. ओके सो कमिंग बैक टू माई मेकअप क्लास एंड हेयर क्लास. तो हम डिस्कस करने वाले थे पारुल मैम की जो अकेडमी है उससे जो मैंने कोर्स कराया अभी रिसेंटली तो उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा था. सो बेसिकली क्लास होती है 20 डेज की एंड क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे रहती है. 20 डेज आपको रेगुलर जाना पड़ेगा एंड ऑल्सो बीच में मैम के अकॉर्डिंग शेड्यूल होता है. अगर उन्हें बीच में दो दिन कहीं पे भी ऑफ रखना है, दो या तीन दिन, 20 डेज ओवरऑल आपकी कवर हो जाएंगी. एंड जितने भी डेज में होती है मेरी ऑलमोस्ट आई गेस 20th ऑगस्ट से 10th ऑफ सेप्टेम्बर के बीच में कवर हो गई थी सारी क्लासेस.
जिसमें आपकी 6 हेयर क्लास रहती हैं, 6 मैम के डेमो रहते हैं, प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं, ड्रैपिंग क्लासेस रहती हैं, एंड ये सारी क्लासेस पूरा ओवरऑल जो रहता है वो सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, एंड आपको सीखने के लिए बहुत मिलेगा, नो डाउट। मतलब फर्स्ट डे जब आप जाएंगे तो आपको सारे स्टूडेंट्स से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत अलग अलग वेराइटीज के स्टूडेंट्स मिलेंगे, वेराइटीज इन द सेंस अलग अलग स्टेट से आते हैं, बिकॉज 32 स्टूडेंट्स रहते हैं एक बैच में, एंड ऑलमोस्ट आई गेस मुझे 32 स्टूडेंट्स जो थे ना वो 32 अलग अलग सिटीज से थे, मैं स्टेट्स तो नहीं कहूंगी बट हाँ अलग अलग सिटीज से थे, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, इवन चेन्नई तक के थे, एंड चेन्नई, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, असम से भी स्टूडेंट्स थे, मेरे बैच में एक असम से भी थी। सो आपको अलग अलग स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा सब लोगों से मिलने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो ऑलरेडी पहले से मेकअप में है, मैं पहले से मेकअप में नहीं थी, ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल मेकअप और हेयर क्लास था, तो मैं बिल्कुल बिगिनर थी, बिकॉज मैं आईटी वाली एकदम से यहाँ शिफ्ट हो गई, तो मेरे लिए थोड़ा लाइक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया था। मैं जब पहले दिन क्लास गई थी तो मेरे साथ ऐसा हो गया था, शिट ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस टाइप का था पहले दिन। एंड मुझे फर्स्ट डे तो याद नहीं है कि मेरे कौन ऐसे फ्रेंड्स बने थे, कौन नहीं बने, बिकॉज फर्स्ट डे के बेसिस पे हमें ऑब्वियसली फ्रेंड्स डिसाइड नहीं करते, जिनके साथ हम डेली रहते हैं फिर हम उनको अपने फ्रेंड्स कैटेगरी में रखते हैं। सो 20 डेज का क्लासेस है, एंड स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो 4 दिन की क्लास थी मेरी वो डेमो क्लास थी मैम की, तो मैम मेकअप क्लास लेती है, मतलब मैम मेकअप करेंगी, डेमो देंगी, एंड फर्स्ट हाफ में उसके बाद ब्रेक होगा, और फिर सेकेंड हाफ में आपको वही मेकअप प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल 32 स्टूडेंट्स हैं तो दो दो का ग्रुप बनता है 16 में, एंड उसके बाद आप एक दूसरे के ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं। टॉकिंग अबाउट फी स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था मेरे उस रील में, फी स्ट्रक्चर सारे कोर्सेज का अलग अलग, जो कोर्स मैंने पिक करा था वो था प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर क्लास, जो आई गेस सबसे ज्यादा वही चलता है, सो उसकी फीस है 1.77 विथ जीएसटी, बिकॉज 1.50 उसकी फीस है प्लस 27,000 उसका जीएसटी, टोटल ऑल एंड ओवर आपको पड़ेगा 1,77,000 का, और ये सारी डिटेल्स उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है, तो आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, बाकी कोर्सेज जो अवेलेबल है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग रहता था 11 to 5, बिल्कुल 11, मतलब अगर आप 11:15 पे भी जाते तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैम मना कर देती क्लास के लिए कि आप अटेंड नहीं कर सकते, तो बहुत ही पंचुअल है टाइम को लेकर मैम, लाइक लास्टली आई गेस 11:30 भी ज्यादा हो जाएगा, 11:20 के बाद आई डोंट थिंक सो कि मैम अलाउ करेंगी, मैम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, बट वो ऑब्वियसली आपके अच्छे के लिए ही बोल रही है, आपको अपना टाइम थोड़ा सा है ना वो मैच करना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा। मैं दिल्ली में थी, मतलब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई थी और गुड़गांव में क्लास है, तो मैं मेट्रो से जाती थी, मेरे को ऑलमोस्ट आई गेस 1 घंटा लग जाता था क्लास में आने जाने के लिए। एंड अगर इनकेस अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए कि स्टे वगैरह का क्या कैसा है और कितना खर्चा पानी हुआ है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, बट आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हम एकेडमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉकिंग अबाउट द क्लासेस वाज लाइक क्वाइट गुड, बिकॉज आई कैन से कि फर्स्ट हाफ में जो डेमो मिलता था वो आपको प्रॉपर देखने मिलेगा स्क्रीन पे, मतलब ऊपर स्क्रीन पे बिल्कुल हर एक चीज मैम ने शेयर करी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट नॉलेज पूरी प्रॉपर दी है, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मैम यूज करती है सारी चीजें बताती है, अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो वो डेमो खत्म होने के बाद एक मैंने राउंड होता है, वहां पे आप सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते थे, जो भी क्वेश्चंस आपको डेमो के दौरान या फिर डेमो से पहले या लास्ट क्लास में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप मैम से पूछ सकते हैं, तो मैम उन सबका आंसर करती थी, एंड Q&A राउंड होने के बाद फिर लंच होता था। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन में जो सीनियर आर्टिस्ट रहते हैं ना वो हमें हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जिसके ऊपर भी मैं मेकअप कर रही हूँ, तो वहां पे वो हमेशा हमें बताते रहते थे क्या सही है क्या गलत है, मैं कहाँ पे कमी, मतलब मेरे मेकअप में कहाँ कमी आ रही है, मैं इसे और कैसे अच्छा बना सकती हूँ, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वो हमें बहुत बार बताते हैं। हेयर क्लास में भी सेम है, हेयर क्लास में मैम नहीं आती है, हेयर क्लास में सिर्फ और सिर्फ उनके सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, एंड सीनियर आर्टिस्ट भी बहुत हेल्पफुल है, लाइक मैं कहूंगी जो उनका स्टाफ है ना वो बहुत अच्छा है, आप एक डाउट को 10 बार भी पूछेंगे एंड उनका स्टाफ 10 बार आपको समझाएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, कहां गलती खा रहे हैं, सारी चीजें आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ मिलेगी, तो मैं कहूंगी उनका जो स्टाफ है ना वो तो बहुत ही अच्छा है। टॉकिंग अबाउट प्लस पॉइंट्स, प्रोडक्ट नॉलेज जो मुझे मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं थी जब मैं स्टार्ट कर रही थी, मतलब मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, मुझे सिर्फ एक बेसिक आइडिया था मेकअप का, सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडिया, बिकॉज मैं मेकअप वाली फील्ड में नहीं थी, मुझे सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही पता था कि हाँ ये मेकअप है, इसके अलावा कैसा क्या प्रोसीजर होता है, टेक्निक्स वगैरह वो सारी चीजें मैं कहूंगी मुझे क्लास में जाने से ही पता चली, ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ लर्न करा है, सो मैं ये उसका प्लस पॉइंट मानूंगी कि मुझे बहुत सारा प्रोडक्ट नॉलेज
मिला है, मुझे टेक्निक्स बहुत अच्छी मिली है, प्लस मुझे एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा मिला है बिकॉज अलग अलग लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है जो बहुत आगे है, मतलब मेरे से बहुत आगे, मैं यही कैटेगरी करूंगी बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड. सो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ पे एंड नेटवर्किंग वहाँ से आप बहुत अच्छी कर सकते हैं. सो ये एक प्लस पॉइंट है. टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज साइड मैं कहूंगी हेयर क्लास. मुझे हेयर क्लास कम लगी है एज कम्पेयर टू मेकअप क्लास. हेयर से रिलेटेड एक ही बस मुझे जो कॉन है ना वो यही लगा है कि आपको हेयर में खुद मेहनत करनी पड़ेगी. या तो आप कहीं और भी एडवांस क्लासेस ले सकते हैं या फिर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डमी लेकर, बट हेयर क्लास के लिए वहां पे बहुत ही बेसिक हेयर स्टाइल्स आपको, मतलब सिर्फ स्ट्रेटनिंग और टॉन्ग यूज करना सिर्फ बताएंगे. वहां पे हेयर स्टाइल जो आप इंस्टाग्राम और जो आप यूट्यूब या फिर जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सारी हेयर स्टाइल आपको नहीं सिखाते, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी बिकॉज वहां पे सिर्फ बेसिक हेयर स्टाइल है, एडवांस हेयर स्टाइल्स नहीं है. सो या हेयर स्टाइल का मुझे एक डिसएडवांटेज लगा था. टॉकिंग अबाउट द सेकंड डिसएडवांटेज इज आई गेस स्केड्यूल, बिकॉज वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा था. बिकॉज क्या होता है ना कि आपको डेली क्लास जाना रहे क्योंकि सैटरडे संडेज भी मैम लेती हैं, तो डेली एक पर्सन अगर क्लास जाएगा ना तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड उसे एक हॉलीडे चाहिए पड़ेगा. ये मैंने अपनी क्लास में सभी के साथ नोटिस करा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा, सभी एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे एंड सभी को छुट्टी चाहिए थी बिकॉज मैम अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करती हैं. बिकॉज एक अगर हम बेसिक क्राइटेरिया देखा जाए ना तो मंडे टू फ्राइडे क्लास लेनी चाहिए, सैटरडे भी इंक्लूड कर लो बट संडे ऑफ होना चाहिए. बट मेरे को मेरी क्लास याद है 20th August से स्टार्ट हुई थी और मेरा हॉलीडे था डायरेक्ट 4th of September को, तो मैं 20 से 4th डेली जाती थी 3rd of September तक और उसके बाद मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली थी 4th और 5th की. तो या वो थोड़ा सा मेरे लिए अनमैनेजेबल होने लगी थी चीजें, मैं मैनेज कर ली थी बिकॉज मैं क्लास छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे भी पता नहीं कब क्या सिखाते हैं. मुझे इसके अलावा सारे पॉइंट जो है वो पॉजिटिव वे में ही लगा है. मैम के नेचर की बात करें तो मैम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैम आपके मुंह पे बता देंगे कि आप कहां गलत है, क्या गलत कर रहे हैं. मैम आपको डांटेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, तो सारी चीजें सुनने के लिए रेडी होना क्योंकि वो आपकी मिस्टेक्स को ही आपको बता रही है ताकि आप फ्यूचर में उसे रिपीट ना करें. मैम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो मुंह पे ही बोलती है, इसलिए लोग उन्हें रूड बोलते हैं, बट वो रूड नहीं है, वो बहुत अच्छे से हैंडल करती है, प्लस आपको सारी गलतियां भी बताएंगी, तो उसे रूड वे में मत लेना क्योंकि जो भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें ऐसा सुनने में मिलेगा कि मैम का जो नेचर है वो थोड़ा सा रूड है. वो रूड साइड नहीं है, मैम बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मे बी शायद आपको उनका नेचर रूड लग सकता है बट वो रूड नहीं है. एंड इसके अलावा जो मेन चीज है वो मैं बता दूं कि पोर्टफोलियो डे जो रहता है, मेन जो रिजल्ट डे रहता है, मतलब जहां पे आपका पूरा मॉडल शूट होता है, उसमें सब कुछ आपको इन्वेस्ट करना है मॉडल के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर. बस फोटोग्राफर जो रहेगा ना वो बस एकेडमी की साइड का रहता है और उस दिन आपको अपनी पेन ड्राइव ले जानी पड़ेगी, तो जो भी शूट्स वगैरह रहेंगे वो आपको आपकी पेन ड्राइव में दे दिए जाएंगे, तो आप उन्हें मतलब सोशल मीडिया पे उसका प्रचार कर सकते हैं. बट इसके अलावा जो मॉडल रहेगी और ज्वेलरी रहेगी वो आपको अपनी साइड से करना है. मॉडल और ज्वेलरी की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहां के स्टाफ हमें बताते हैं कि आप कहां से कर सकते हैं, कहां से नहीं कर सकते हैं. सो या इसकी कोई टेंशन नहीं लेना. इसके अलावा आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत होने वाली है. अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो था 8.5 out of 10 एंड जो भी चीजें मुझे लगी, फॉर एग्जांपल हेयर क्लास जो मैंने ऑलरेडी बताई है एंड जो हॉलीडेज मुझे लगा, सो वो मैंने डिस्कस कर दी है. सो या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस जो मेरा रहा था वहां पे. बहुत सारे लोगों को जाना था तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन बताना कि अगर आप नेक्स्ट जा रहे हो किसी बैच में, एंड इनकेस अगर आपको कोई और भी डाउट है ना तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो के अंडर में पूछना या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय माय टुडेज वीडियो एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का जो रिव्यू है वो कैसा लगा. एंड इन केस कोई भी अदर डाउट है ना तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं. एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग. बाय.